आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश में दो वर्षों तक कोविड का साया रहा। कोविड के चलते सभी को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों को हुआ। इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट को काफी परेशानी हुई। आर्थिक रूप से संकट झेल रहे स्कूल अब फाइनेंस के रूप में 3 साल पीछे चले गए हैं। ये कहना है सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन आर के सचदेवा का। कोविड काल से निपटने के बाद अब स्कूल संचालक सुकून महसूस कर रहे हैं। सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन आर के सचदेवा का कहना है कि कोविड में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हुआ। वो स्कूल नहीं जा पाए। जो बच्चे 3 साल के थे वो 2 साल में 5 के हो गए। उन्हें ना तो खेलने को मिला ना ही दोस्तों का साथ। स्कूल एडमिशन के बारे में आर के सचदेवा का कहना है कि 12वीं के छात्रों का जाना होता है तो नर्सरी क्लासेस में एडमिशन होता है, तभी उसकी पूर्ति होती है, अन्यथा नुकसान होता है। स्कूल के एंगल से देखना चाहें तो स्कूल को 2 तरह का नुकसान हुआ है और इसमें वो नुकसान स्कूल के साथ साथ बच्चों का मेजर नुकसान हुआ है। स्कूल का जो नुकसान हुआ है वो मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशन, बच्चों के लेवल ऑफ एजुकेशन पे स्कूल्स को काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बच्चे, विशेषकर छोटी क्लासेस के बच्चे, वो जो नर्सरी में 2 साल पहले आना था वो बच्चा क्लास 1 में आज आ रहा है, तो वो 5 साल की उम्र में आ रहा है, तो उसने स्कूल पहले देखा नहीं, तो उसको मैनेज करने में एक तरफ तो स्कूल को एकेडमिक पार्ट पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी 2 साल पास कर चुका है, उसने स्कूल की रिकग्निशन समझी नहीं है। आज उसको स्कूल में एंट्री मिली है तो वो जो एंट्री उसको नर्सरी की एज में मिलनी चाहिए थी, तो वो 2 साल जो मैच्योर हो चुका है और उसने ऑनलाइन देखा है, उसमें काफ़ी डिफिकल्टी आएगी स्कूल की। ये तो रहा एकेडमिक पार्ट। कई वर्षों का अनुभव रखने वाले आर के सचदेवा का कहना है कि फाइनेंस के मामले में सभी स्कूल लगभग 3 साल पीछे चले गए हैं। मेंटेनेंस और स्कूल के स्टाफ का खर्च, बिजली का खर्च, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ अपनी जगह पर बने रहे, लेकिन एडमिशन और फीस में कमी करनी पड़ी। हम लोग भी कहीं अपनी जगह पर लेथार्जिक से हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि बहुत कुछ पेमेंट मिल नहीं पाते हैं, इतना बड़ा अमाउंट मिलता नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम केवल गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ऐसा नहीं है, हम भी प्रयास नहीं करते हैं कि चलो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेमेंट अगर रेगुलर मैनर में आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अमाउंट भी काफ़ी लेस होता है, तो उस पर हमको लगता है कि हम नॉर्मली लोगों को रिलीफ देते हैं, कई लोगों को फ्री पढ़ाते हैं किसी के रेफरेंस से किसी से, तो हम उसको मानकर इसलिए बहुत ज़्यादा गौर करते नहीं। कोविड से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन अब संकट से उबर चुके हैं। लेकिन बच्चों के मामले में पेरेंट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके मानसिक विकास का काफ़ी नुकसान हुआ है। स्कूल का जो फाइनेंशियल पार्ट है उसमें आप लोगों ने सब लोगों ने देखा कि 2 साल स्थिति कोरोना की वजह से इफेक्टेड रही, तो उस पर हमारे स्कूल का जो रोटेशन है, एक बच्चा एक सेशन में 12th के बच्चे पास आउट होते हैं और नर्सरी से एडमिशन्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनसेशन होता है ट्रांसफ़र के केसेस में भी, तो उस पोजीशन को अगर हम देखें तो आउट तो 2nd से 12th 2 साल से हो रहा है, तो एडमिशन्स नीचे की क्लासेस में पेरेंट्स आ नहीं रहे थे, तो ऑटोमेटिकली 25 से 30% स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स की कम हो गई है। और उसके साथ साथ सेकेंडली कुछ पेरेंट्स जो मान लो गाँव से शिफ्ट होकर शहर में रह रहे थे और कोरोना की वजह से उनकी नौकरी चली गई या उनका व्यवसाय बंद हो गया, तो वो लोग वापस चले गए हैं, तो उस केस में भी स्कूलों की स्ट्रेंथ में रिडक्शन आया है। और कुछ लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस 50-80% रह गई है, तो उसमें फी कलेक्शन भी में भी ये पोजीशन आई है। स्कूल तो अब पूरी तरह से खुल चुके हैं, लेकिन लगभग लॉस में भी काफी चल रहे हैं। स्कूलों को आर्थिक संकट से उबरने में अब 2 से 3 साल तक का समय बराबरी पर आने के लिए लग सकता है। स्कूल प्रबंध को अब एडमिशन करने में भी छूट देनी पड़ रही है। अभी मामला स्थिरता का नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।